नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हम पहुंचे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। यहां पर किसानों द्वारा आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम लगाया गया है। वहीं अब 3 बजे हॉर्न बजाकर यह जाम खोला जाएगा। उसी के लिए अब हम तैयार हैं। यहां पर जो नेता आए हैं, सभी किसान आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं कि सामने जो किसान हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं किसान नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल जो किसान नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। वहीं जो कांग्रेस के किसान नेता हैं वीरेंद्र राठौर जी, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। सर यहां पर आज जाम लगाया गया है 3 घंटे का किसानों द्वारा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, 3 बजे खोलेंगे, तो क्या कहेंगे आज ये? ये जाम नहीं है, ये देश की जनता को चक्का जाम के माध्यम से आह्वान है कि कैसे ये तीनों कानून जो है ना केवल किसान परंतु देश की आम जनता की भी कमर तोड़ने वाले हैं। मुझे लगता है इस चक्का जाम के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश के किसानों ने सफलतापूर्वक तरीके से पूरे देश के लोगों को ये मैसेज देने में कामयाब रहे। सर क्या कहेंगे, जो सरकार अभी झुकने का नाम नहीं ले रही, सरकार कहती है कि पूरे देश में एक राज्य के लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं या किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश शांत है और जो कानून है वो निरस्त करने के उसमें मूड में नहीं है। आर्या जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, एक ही सेकंड में आपके पास प्रश्न का जवाब दूंगा। झुकता कौन है? झुकता वो है जो फलदार वृक्ष होता है, जिस वृक्ष पे फल लगते हैं वो झुकता है, और जो पेड़ बगैर छाया और बगैर फल के सीधे तने रहते हैं, ना उनके अंदर छाया होती, पर जब काटने की बारी आती है तो फलदार वृक्ष को दुनिया नहीं काटती, कटते वही हैं जो सीधे तने खड़े रहते हैं। तो क्या कहेंगे अब 3 बजे हॉर्न बजाकर खोला जाएगा जाम? ये तो देश का किसान है, वो देश को असुविधा में नहीं रखने का काम करता। देश के किसान ने अपना मैसेज दिया और शांतिपूर्वक तरीके से मैसेज दिया, 3 बजते ही सुचारू रूप से हाईवे को चालू कर दिया जाएगा। कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा है कि जो पंजाब में ऑलरेडी एक जो है नियम लागू है, वहाँ पर किसानों को जुर्माना भी है, सजा भी है, तो यहाँ पर बवाल क्यों है? ये कृषि मंत्री देश को बरगला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है देश के लिए, वो पहले से चली आ रही है। सवाल तो है जमाखोरी के कानून के संशोधन के ऊपर, वो बात नहीं करते। कल भी देश के कृषि मंत्री ने संसद में बयान दिया पर जमाखोरी के कानून के ऊपर चुप्पी साधे रहे। वो पहले इस देश को समझाएं कि जमाखोरी से कैसे देश को लाभ होगा, कैसे किसान को लाभ होगा, इसका जवाब देश के कृषि मंत्री नहीं दे रहे और वो उलझुल की बात में देश को बनवाने का काम कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे साथ कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर जी, जो कि बिहार के प्रभारी भी हैं और यहाँ पर जो चक्का जाम किया गया किसानों द्वारा यहाँ पर पहुँचे हैं, और हम आपको और भी दिखाएंगे जो किसान हैं जाम लगाए बैठे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। वहीं अब आप देख रहे हैं कि अब लगातार 3 घंटे हो चुके हैं जाम लगे, यहाँ चक्का जाम है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ये चक्का जाम किया था और उसको अब 3 बजे हॉर्न बजाकर खोलने की उम्मीद है। सर क्या कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं और जो चक्का जाम क्या है उसके बारे में बताएं? हम बाड़ू से हैं जी। है जी बाड़ू से। क्या कहेंगे आज जो चक्का जाम है, कब से कब तक रहेगा ये? 12 से 3 बजे तक रहेगा। क्यों? क्यों, ये पब्लिक को अपना सरकार को दिखाने के लिए, भाई पब्लिक इकट्ठी हुई है तो हमारी मांगे को माने, इसलिए शांतिपूर्वक चक्का जाम चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। कहाँ पर है, किस जगह लगा रखा है जाम? ये अपना टोल प्लाजा बस्ताड़ा है। क्या नाम आपका? मेहताब सिंह। ये थे मेहताब सिंह, उनका कहना है कि टोल प्लाजा बस्ताड़ा पर वो खड़े हैं और 12 बजे जाम में यहाँ पर चक्का जाम में आए थे और अभी फिलहाल जाम जारी है। अब 3 बजे हॉर्न बजाकर जो है ना ये चक्का जाम खोला जाएगा। वहीं और भी कई महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, सुरेंद्र नरवाल यहाँ पर पहुंचे हैं जो कांग्रेसी नेता हैं। सुरेंद्र नरवाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए मैं तो एक चीज कहूँगा, आज जो हमारी जत्थेबंदियाँ हैं उनके आह्वान पे जो पूरे देश को बंद किया गया है, उसको उनके ऊपर हम सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हैं और वो इस बात के लिए आए हैं कि हम इन 3 काले कानूनों का विरोध करते हैं, सरकार इन तीनों के तीनों काले कानूनों को वापिस ले और जो MSP है उसके ऊपर गारंटी कानून लेके आए। इस बात के लिए हम सारे के सारे आए हैं। अब लगभग 1 मिनट बाद ये जो जाम है ये हम खोल भी देंगे। इस 1 मिनट से पहले एक जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि ये विरोधी दलों के बकावे हुए लोग हैं, राजनीति घुसाई किसानों में, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति
के अंदर ना मैं राजनीति कर रहा, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर के अंदर जन्म लिया है और हम जो ये काम कर रहे हैं केवल किसानों के लिए कर रहे हैं, अपनी जमीनों को बताने के लिए कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब किसानों द्वारा हॉर्न बजाना शुरू कर दिया है, सभी किसान हॉर्न बजा कर यह जाम खोलेंगे। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से भारी आवाज गूंज रही है और किसान हॉर्न बजा कर यह जाम खोलने की तैयारी में है। फिलहाल आप देख रहे हैं किसान खुश हैं, उन्होंने चक्का जाम किया 3 घंटे के लिए और यह अब जो खोल दिया गया है, आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें कि जाम खोल दिया गया है और सभी दिल्ली की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं किसानों द्वारा हॉर्न बजाकर जाम खोला जा रहा है। लाइव तस्वीरें करनाल के टोल प्लाजा बस्ताड़ा की, यहां पर 3 घंटे के बाद अब जाम खोल दिया गया है। सभी अपनी तरफ से हॉर्न बजा रहे हैं और किसानों द्वारा हॉर्न बजाकर यह जाम खोला गया है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किसानों द्वारा यह जाम खोल दिया गया है, भारी मात्रा में जो है ना एकदम जाम खुला है, वाहनों को जाने का रास्ता दे दिया गया है। लगातार 3 घंटे चक्का जाम रहा है।